सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम डॉक्टर लूनेश कुमार वर्मा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छचानपेरी जिला रायपुर मध्ये अहम पदस्थोस्मी अद वयम पठा दसम्या कक्षाया पाठ स्वामी आत्मानंद प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में अनेक महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है ऐसे ही समाज में अग्रणी योगदान देने वालों में स्वामी आत्मानंद जी प्रमुख हैं आज हम इस पाठ में स्वामी आत्मानंद जी के विषय में विभिन्न जानकारियां प्राप्त करेंगे कि किस तरह उनका जीवन रहा और वे किन किन क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है किस तरह से वे दूसरे के छोटे से छोटे गुण को अपने हृदय में धारण करते थे और उसे वे बड़ा करके देखते थे अर्थात जो छोटे गुण होते हैं उन गुणों को वे बहुत बड़ा मानते हैं तो इस तरह से वे दूसरे लोगों के छोटे छोटे गुणों के आधार पर उन्हें अत्यंत आदर दिया करते थे तो ऐसे ही उनके अनेक नेक कार्य हैं जिनके विषय में हमें इस पाठ में जानकारियाँ मिलेंगी आइए सबसे पहले हम इस पाठ को सुनते हैं अष्ट पाठ स्वामी आत्मा यीव मंत्रस्य मंत्र साधकमूर्ति स्वामी सदैव सद कल्याणार्थम समर्पित आसीत। सह ईदृशः संतः आसीत् यत यस्य ध्येय वाक्यं सर्वत्र प्रशंसितं आसीत् यथा परगुण परमाणु पर्वती कृत्ये नेत्यं निज हृदिविक संतः सन्ति संतः तस्य पितुह नाम धनी रामह, मातुह नाम भाग्यवती च आसीत तौ धर्म परायण आस्ताम स्वामी आत्मानंदस्य जन्म सट अक्टूबर नव उत्तर नव शताधिक सहस्र तमे वर्षे अभवत् आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेन्द्रह आसीत सह सप्तविंसती अगस्त नवासीती उत्तर नवसताधिक सहस्रतमे वर्षे निर्वाणम् प्राप्य ब्रह्मलीनस्याभवत तस्य लक्ष्यमासीत् न।

विवेकानंद विवेकंदविदी स्थात त्र बी एड प्रशिक्षण समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते वर्त बस्तरवन प्रातरे नारायणपुर अबुजमाड स्थापितः अस्य सचिवेन पूज्यपाद स्वामीना निखिलांद अपूर्वम नेतृत्व प्रदत्तम् अनेन आश्रमेण शिक्षा चिकित्सा कृषि जनसेवा कृषक प्रशिक्षण केंद्र युवा प्रशिक्षण केंद्र चलित चिकित्सा विपणन अति सेवा स संचालितानि संति आध्यात्मिक क्षेत्रे अस्य प्रयासः प्रसन्नसिद्धः स्वामी विवेकानंदः रायपुरे द्विवर्ष पर्यंतम् व्यतीतवान् येन इदम् नगरम् परिपूर्तः मोहवत् स्वामी विवेकानंदः जन्मसताब्दी वर्षे भव्यं स्मारकं निर्मातुं सः आत्मानन्दः प्राणपणेनायतत् अयम् आश्रमः आध्यात्मिकदर्शनस्य केन्द्रमस्ति आश्रमैव क्लिनिक इति औषधालयः ग्रन्थालयः च स्थापितः तत्रैव स्थापिते

तस्य द्विखंडात्मकं गीता तत्व चिंतनं इति ग्रंथः अतीव मनोहरः अस्ति धर्म दर्शन क्षेत्रे अस्य महाभागस्य कृतयः पाठकेषु वैज्ञानिक दृष्टियं भी विध्यं कुर्वन्ति स्वामी आत्मानंदस्य संगठन कौशलं अपूर्वम् आसीत् तस्य निर्देशने संरक्षणे च मध्यप्रांते महाराष्ट्र उड़ीसा, राजस्थान छत्तीसगढ़ रामकृष्ण विवेकनंद आश्रमा कालादेव मेधावी प्रतिभा शैशवकालादेव आसीत् अत्र एक सहस्र अष्ट त्रिशत तमे वर्षे अस्य पिता महात्मा गांधीना स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालये वर्धायाम शिक्षक रूपेण नियुक्त प्रति रविवारे पिता पुत्रौ गांधीनः दर्शनार्थं सेवाश्रमं गच्छतः स्म तत्र बालः तुलेन्द्रः गांधिनः भ्रमण सहायकः चासीत अत्रैव तस्य बाल मनसि सेवा भावना बीजं स्फूटीतम् पित्रा सह वर बन्दा ग्रामे अस्य शैशवम् छात्रजीवनं च व्यतीतम् तेन परीक्षासु प्रथम श्रेणिया प्रतिभा प्रतिस्थापिता एक सहस्र एक तमे वर्षे नागपुर विश्वविद्यालय एम एस सी विशुद्धगणित च प्रदत्ते सर्वोच्चाक प्राप्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सेगुलर फेलोशिप प्राप्तसौ अनत भारतीय प्रशासकीय सेवा सेवापरीक्षाया सफलता प्राप्त परंतु मौखिकपरीक्षा त्यक्तवा तदन तेन स्वजीवनमें श्री राम कृष्ण विवेकानंद चरणों समर्पितम हाँ। प्यारे बच्चों अभी हमने यह जो पाठ है स्वामी आत्मानंद इसका हमने वाचन अभी हमने सुना आइए अब इस पाठ के विभिन्न अंशों को समझते हैं और साथ ही साथ जो व्याकरणिक इकाइयां हैं उनके विषय भी जानकारियां प्राप्त करेंगे पाठ का प्रारंभ होता है उनका जो ध्येय वाक्य है स्वामी आत्मानंद का ध्येय वाक्य है यत्र जीव तत्र जीव से यत्र जीव तत्र शिव से यीव तत्र शिव इति मंत्रस्य साधकः त्यागमूर्तिश्च स्वामी आत्मआनंदः सदैव जनानां कल्याणार्थं समर्पितः आसीत् सह ईदृशः संतः आसीत् यत यस्य ध्येय वाक्यं सर्वत्र प्रशंसितं आसीत् प्यारे बच्चों यह जो अभी अंश हमने देखा आइए इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यत्र जीव तत्र शिव यह एक मंत्र है यह उनका लक्ष्य है किनका स्वामी आत्मनंद जी का तो इस पद में यत्र जीव तत्र शिव में यत्र और तत्र ये दोनों शब्द जो हैं ये अव्यय शब्द हैं अव्यय किन्हें है कहते हैं आप जानते हैं यस्य व्ययम न भवती तद अव्ययम अर्थात शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर किसी भी स्थिति में स्वरूप नहीं बदलता है उन पदों को अव्यय कहा जाता है तो यहाँ पर यत्र और तत्र ये दोनों अव्यय पद हैं यत्र का तात्पर्य होता है यहां और तत्र का तात्पर्य होता है वहां यहाँ और वहाँ तो यत्र जीवह जहाँ जीव है तत्र शिव वहाँ शिव है अर्थात मंगल है वहाँ कल्याण है अर्थात प्रत्येक जीव में वे शिव को अर्थात कल्याण को ईश्वर को देखते थे तो जहाँ जीव है वहाँ शिव है इति मंत्र से साधक इस मंत्र के साधक साधना करने वाले मंत्र से शब्द जो लिखा है मंत्र मूल शब्द है ष्ठी भक्ति एक वचन का यह रूप है इसका तात्पर्य होता है मंत्र का साधक मतलब साधन, साधना करने वाला त्याग यह यह जो पद है यह संधि युक्त पद है संधि विच्छेद करें तो त्याग मूर्ति है, धन च इति त्याग मूर्तिश्च स्वामी आत्मानंद स्वामी देखिए आत्मानंद जो कह रहे हैं यह भी संधि युक्त पद है इसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं संधि विच्छेद करेंगे स्क्रूप होगा आत्मा धन आनंद आत्मानंद दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ यहाँ सदैव यह पद भी संधि युक्त पद है सदाधन इति सदैव यहाँ वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर्य होता है सदैव या हमेशा जनानाम जन मूल शब्द है षष्ठी भक्ति बहुवचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है लोगों के कल्याणार्थम कल्याण के लिए कल्याण धन अर्थम इति कल्याणार्थम यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है समर्पिता आसीत समर्पित था तो यत्र यीव तत्र शिव जहाँ जीव है वहाँ शिव है शिव अर्थात ईश्वर भी और शिव अर्थात मंगल या कल्याण भी तो जहाँ जीव है वहाँ ईश्वर है अर्थात प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है इति मंत्र से साधक इस मंत्र को के साधने वाले अर्थात इसको जीवंत रूप में अपने व्यवहार में आचरण करने वाले अर्थात प्रत्येक प्राणी जो हैं उनमें ईश्वर का वास है अर्थात कोई भी दीन दुखी गरीब है उसकी सेवा सहायता करना यह ईश्वर की सेवा करना है इति मंत्र से साधक इस मंत्र के साधने वाले और त्याग मूर्ति और त्याग की मूर्ति अर्थात वे अपने सुख की कभी कामना नहीं करते थे वे सदैव लोगों के दुख को दूर करने के लिए संलग्न रहते थे तो ऐसे त्याग मूर्ति स्वामी आत्मानंद सदैव हमेशा ही जनानाम कल्याणार्थम लोगों के कल्याण के लिए समर्पित आसित समर्पित रहते थे सह सह का मतलब होता है वह तद मूल शब्द है और इसका पूर्णिंग प्रथम वचन के यह रूप है सह ईदृश इस प्रकार के संतह, संत संत आसित थे वे इस प्रकार के संत थे यत यत तात्पर्य होता है जो यस्य तात्पर्य होता है जिसका तो यश शब्द कैसे बनता है यश्य का मूल शब्द है यद ष्ठी भक्ति एक वचन का यह रूप है इसका तात्पर्य होता है जिसका ध्येय वाक्यम अर्थात ध्येय लक्ष्य वाक्य था ध्येय कहते हैं लक्ष्य को जिसको हम प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं तो ध्येय वाक्यम जैसे आप सभी पढ़ रहे हैं आपका ध्येय क्या है आपका ध्येय है कक्षा दसवीं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना ये आपका ध्येय है तो इसी तरह से स्वामी आत्मनंद थे उनका ध्येय वाक्य जो है यत्र जीव तत्र शिव सर्वत्र सर्वत्र यह पद है इसका तात्पर्य होता है सभी जगह प्र उपसर्ग है संस धातु है तत्यय और नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है प्रशंसित अर्थात प्रशंसा योग्य प्रशंसा प्राप्त आसित था तो वे इस प्रकार के संत थे जिनका ध्येय वाक्य सभी स्थानों पर प्रशंसा प्राप्त था प्रशंसा प्राप्त किया हुआ था अर्थात इनके ध्येय वाक्य की सभी लोग प्रशंसा करते थे क्यों क्योंकि केवल ध्येय वाक्य नहीं है उस ध्येय वाक्य को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था यथा जैसे यह अव्यय पद है इसका तात्पर्य होता है जैसे या उदाहरण के लिए हम कहते हैं तो उस अर्थ में यथा शब्द का प्रयोग किया जाता है आगे श्लोक में बताया जा रहा है आपको पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य नेत्यम निज हृदय विक संति संत की अंत पर गुण परमाणु पर गुण परेशान गुणम इति पर गुणम दूसरों के गुण परेशान गुणम यहां पर ष्ठी तत्पुरुष समास है तो पर गुण परेशान गुणम परमाणु परमाणु के जैसे छोटे से छोटे गुण को भी दूसरों के परमाणु गुणम परमाणु के समान छोटे से छोटे गुण को भी पर्वती कृत्य नित्यम वे पर्वत के समान विशाल बना करके अर्थात बड़ा करके छोटे से छोटे किसी व्यक्ति के गुण को वे बड़ा करके नित्यम सदैव निज हृदय विकसनत निज हृदय स्वहृदय अर्थात अपने हृदय में विकसनत विकसित करने वाले संत वे ऐसे संत थे जो दूसरों के छोटे से छोटे परमाणु जैसे छोटे गुण को भी पर्वत के समान विशाल अपने हृदय में मानने वाले संत थे संत की अंत ऐसे संत उनके जैसे स्वामी आत्मानंद जैसे कितने संत हैं जो दूसरों के छोटे गुण को बड़ा करके देखते हैं अर्थात छोटे गुणों को भी वे बड़ा मानने वाले हैं आ, संत संत की अंत ऐसे संत कितने हैं अर्थात उनके जैसे संत ढूंढने से भी मिलते नहीं हैं तो ऐसे थे हमारे स्वामी आत्मानंद जी आइए अब इनका परिचय प्राप्त करते हैं तस्य पितुह नाम धनी राम मातु नाम भाग्यवती च आसीत तौ धर्मपरायण आस्ता स्वामी आत्मानंद से जन्म षट अक्टूबर नव विंशति उत्तर नव शताधिक सहस्र तमे वर्षे अभवत आत्मानंद से बाल्यकाल नाम तुलेन्द्र आसी सह सप्तविंशति अगस्त उत्तर नवसताधिक सहस्रतमें वर्षे निर्वाण प्राप्य ब्रह्मलीनशाभवत यह उनका परिचय है, बाल्यकाल का परिचय है जैसे आपका अपना नाम है आपके पिता का नाम है आपके माता का नाम है उसी तरह से स्वामी आत्मनंद के पिता का नाम और माता का नाम क्या है वो इन पंक्तियों में बताया गया है तो तस्य पितुह नाम धनी राम हा, उनके पिता का नाम धनी राम है तो तस्य तद मूल शब्द है तद का मतलब होता है वह ष्ठी भक्ति एक वचन का यह रूप है और पितुह पितृ मूल शब्द है यह ष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है पितृशब्दी भक्ति एक वचन का रूप बनता है पितुह पंचमी और षठी दोनों में रूप बनता है पितु किसका शब्द का तो तस्य पितुह नाम उनके पिता का नाम धनी राम धनी राम था मातु नाम मातु यह शब्द कैसे बनता है मातृ मूल शब्द है ष्ठी भक्ति एक वचन का यह रूप है मातृ शब्द का पंचमी और ष्ठी विभक्ति में एक वचन में रूप मातुह यह बनता है तो मातुह नाम भाग्यवती च आसीत और उनकी माता का नाम भाग्यवती था तो स्वामी आत्मनंद के पिता का नाम धनीराम और माता का नाम भाग्यवती था परीक्षा विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है स्वामी आत्मानंद से नाम किम अर्थात स्वामी आत्मानंद के पिता का क्या नाम है तब उत्तर क्या होगा स्वामी आत्मानंद से नाम धनी राम इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है स्वामी आत्मानंद से मातु नाम किम आसीत स्वामी आत्मानंद के माता का क्या नाम था उत्तर क्या होगा ये जो गद्यांश है इसके आधार पर उत्तर देंगे तो स्वामी आत्मानंद से नाम भाग्यवती आसीत तौ तो धर्मपरायण आस्ताम तौ तो यह द्विवचन का शब्द है तद मूल शब्द है पूर्णिंग में प्रयुक्त हुआ है यह एक सामासिक पद भी है कभी कभी विभिन्न परीक्षाओं में तौ तो यह शब्द दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका समास विग्रह करो तब इसका समास विग्रह दो तरह से किया जा सकता है कैसे सह च सह या त सा च तौ तो। द्वंद्व समास तौ तो तो यहां पर प्रयुक्त तो हुआ है किस रूप में सा च तो वे दोनों कौन दोनों धनी राम के माता और पिता धर्मपरायण यह भी समासिक पद है समास अलग करें धर्मश्च परायणश्च अर्थात धर्म के परायण करने वाले आस्ताम थे तो तब तो धर्मपरायण आस्ताम वे दोनों धर्म पारायण थे धर्म का परायण करने वाले अर्थात धर्म का धर्म को मानने वाले थे स्वामी आत्मनंदस्य से जन्म छठ अक्टूबर नव विंशति उत्तर नवशाताधिक सहस्रतमे वर्षे अभवत स्वामी आत्मनंदस्य से जन्म अर्थात स्वामी आत्मानंद का जन्म स्वामी आत्मानंद से यह जो शब्द है इसमें षष्ठी भक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है जैसे बालक का रूप पढ़ते हैं बालक का षष्ठी भक्ति होता है बालक वैसे ही आत्मानंद का षष्ठी भक्ति होगा आत्मानंद जैसे बालक से बालको बालकाण तथीव आत्मानंद से आत्मानंदो आत्मानंदा तो स्वामी आत्मानंद से जन्म सठ अक्टूबर अर्थात स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर नव विंशति उत्तर नवशाताधिक तमे वर्ष अभवत अर्थात उन्नीस वर्ष में अर्थात सन उन्नीस में हुआ तो स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर उन्नीस को हुआ अभवत यह जो शब्द है लंगलकार का शब्द है भू इसका मूल धातु है भू का भाव रूप होता है तो लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है था स्वामी आत्मानंद से जन्म अर्थात स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर उन्नीस को हुआ था आत्मानंद से बाल्य काल से नाम तुलेंद्र आसित स्वामी आत्मानंद के बाल्यकाल से अर्थात बचपन का या बाल्यकाल का नाम तुलेंद्र आसित तुलेंद्र था जैसे आपका नाम घर में कुछ और नाम कहा जाता है और विद्यालय में कुछ और नाम चलता है तो इस तरह से कई लोग होते हैं समाज में जिनका एक से अधिक नाम होता है घर का नाम अलग होता है और घर से बाहर उन्हें भिन्न नाम से पुकारा जाता है या जब हम बड़े हो जाते हैं या कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तब उसे किसी और नाम से पुकारा जाता है तो वैसे ही जिन्हें हम स्वामी आत्मानंद के नाम से जानते हैं उनके बचपन का नाम तुलेंद्र था तो तिलेंद्र यह शब्द भी संधि युक्त पद है इसका संधि अलग करें तुलाधन इंद्र इति तुलेंद्र गुणस्वर संधि है आसित आसित यह शब्द जो है अस धातु है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है था तो स्वामी आत्मानंद से बाल्यकाल से नाम तुलेंद्र आसित स्वामी आत्मानंद के बाल्यकाल का नाम तुलेंद्र था सह सह का तात्पर्य होता है वह तद मूल शब्द है प्रथम भक्ति एक वचन पूर्णिंग का यह रूप है तो सह का मतलब होता है वह या वे देखिए हिंदी में हम सामान्य रूप से एक वचन के लिए वह का प्रयोग करते हैं और यदि एक वचन ही है और वह आदर सूचक हो तो उसके लिए हम वे का भी प्रयोग करते हैं इसलिए सह का तात्पर्य यहाँ पर वह तो है और साथ ही साथ चूँकि ये स्वामी आत्मानंद के लिए प्रयुक्त तो हुआ है अर्थात वे आदरयुक्त तो पात्र हैं इसलिए सह का अर्थ वह से वे भी सही है तो सह अगस्त उत्तर आगस्त नवाशीतिरनशताकसहतमें वर्षे निर्माण प्राप्य ब्रह्मीनश्चात ब्रह्मलनश्चात ब्रह्मलीन धन अभवत् यह संधि पद है आप सभी जानते हैं संस्कृत में संधि युक्त पदों की बहुलता होती है और साथ ही हम यह भी जानते हैं कि किसी शब्द में एक संधि हो सकती है या एक से अधिक संधियों का योग हो सकता है तो यहाँ यह जो शब्द आया है ब्रह्मलीन चाभवत इसमें ब्रह्म धन च एक संधि च धन अभवत ये दूसरी संधि तो दो संधियाँ यहाँ पर इस शब्द में हैं तो ब्रह्मलीन धन च यहाँ पर विसर्गसंधि का प्रयोग हुआ च धन अभवत यहाँ दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ तो सह अर्थात वे सत्ताईस अगस्त उन्नीस को तमे वर्ष अर्थात ईस्वी सन को वे सत्ताईस अगस्त अठारह में निर्वाणम प्राप्य निर्वाण प्राप्त करके ब्रह्मलीनाश्चा भवत अर्थात ब्रह्मलीन हो गए अर्थात 27 अगस्त अठारह को उन्होंने मोक्ष प्राप्त करते हुए ब्रह्मलीन हो गए तस्य लक्ष्यमासित उनका लक्ष्य था तस्य ती तद मूल शब्द है षठी भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है उसका या उनका सामान्य रूप से हम एक वचन में कहेंगे उसका लेकिन हाँ वो आदर सूचक हों बहुवचन सूचक हों तब हम कहेंगे उनका तो तस्य लक्ष्य मासित उनका लक्ष्य था क्या था लक्ष्य मासित उनका लक्ष्य था नाम ये राज्यम न चर्गम ना, ना पुनर्भवम काम ये दुख तप्ता नाम प्राणीनाशन नाम ये त्व जो शब्द है यह भी संधि युक्त पद है संधि अलग करें तू धन अहम इति इतिहम यहाँ पर स्वर संधि का प्रयोग हुआ है काम ये काम धातु है और लटलकार उत्तम पुरुष एक वचन का यह रूप है इसका तात्पर्य होता है काम का मतलब होता है इच्छा न तो हम कामिए न तो मैं कामना करता हूं अर्थात इच्छा करता हूं आ, कामना के अर्थ में संस्कृत में भिन्न धातु भी है जैसे इच्छा धातु है इच्छा धातु है तो इच्छा धातु का भी प्रयोग यहां कर देना चाहे तो कामिए के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है इच्छा तो न तो हम राज्यम, न तो मैं राज्य की कामना करता हूं राज्य अर्थात भूमि की कामना करता हूं न चा स्वर्गम, नहीं मैं स्वर्ग की कामना करता हूं अर्थात मुझे यहां से मुक्ति मिल जाए और मैं स्वर्ग में चला जाऊं ऐसी भी मैं कोई कामना कोई इच्छा नहीं करता हूं ना पुनर्भव यह भी संधियुक्त तो पद है संधि अलग करें न पुनः भवम तो पुनः धन भवम यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ तो स्वर्गम न पुनर्भवम और न ही मैं फिर से इस धरती में जन्म लेना चाहता हूं जैसे जन्म जन्मांतर की जो बातें कही जाती हैं या पुनर्जन्म की जो बातें कही जाती हैं यदि वैसा है भी तो भी मेरा पुनः जन्म हो यह मैं कामना नहीं कर न तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ अर्थात स्वर्ग की इच्छा करता हूँ और नहीं इस धरती में मेरा पुनः जन्म हो इसकी मैं कामना करता हूँ तब वे कामना क्या करते हैं काम ये दुख तपता नाम वो काम ये कहते हैं स्वामी आत्मानंद जी कहते हैं काम ये मैं कामना करता हूँ मैं इच्छा करता हूँ क्या इच्छा करता हूँ दुख तप्ता नाम दुख से पीड़ित तप्त तप्ता नाम कैसे बना है दुख तप्ता नाम ये भी समाज यह सामासिक पद है च चपता नाम च, च अर्थात दुख दुख तप्ता नाम दुख से जो पीड़ित हैं दुख तप्ता नाम यह सामासिक पद है और इसका समास विग्रह करें तो दुख ही तप्ता नाम अर्थात दुखों से पीड़ित तृतीय तत्पुरुष समास का यहाँ प्रयोग हुआ है तो दुख तप्ता नाम दुखों से पीड़ित प्राणी नाम आरती नाशनम यह संधि युक्त पद है संधि अलग करें प्राणी नाम धन आरती नाशनम अर्थात प्राणियों के प्राणी नाम यह शब्द कैसे बनता है प्राणी मूल शब्द है भक्ति बहुवचन के है रूप है और इसका तात्पर्य होता है प्राणियों के जीवों के आरती नाशनम दुख का नाश करना अर्थात देखिए स्वामी आत्मानंद का मंत्र क्या था यत्र जीव तत्र शिव अर्थात जहाँ जीव है जिसमें जो जीवधारी हैं वहाँ ही कल्याण है वहाँ ही शिव है वहाँ ही ईश्वर है अर्थात यदि कोई जीवधारी कोई शरीरधारी यदि दुखी है पीड़ित है तो उसके दुख दर्द को दूर करना यही ईश्वर की सच्ची सेवा है इस मंत्र की साधना करने वाले स्वामी आत्मानंद कहते हैं क्या कहते हैं काम दुख तप्ता नाम मेरी कामना है मैं कामना करता हूँ कि दुखों से पीड़ित प्राणी नाम आरती नाशनम लोगों के दुख को दूर करना अर्थात जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरा जीवन लोगों के दुख को दूर करने में लगा रहे यही मैं कामना करता हूँ मैं न तो भूमि की कामना करता हूँ न मैं स्वर्ग की कामना करता हूँ और न ही मैं यह कामना करता हूँ कि मेरा पुनः जन्म हो अपितु मैं यह कामना करता हूँ कि संसार में जितने प्राणी हैं उनके दुखों का नाश हो अर्थात उनके दुख दूर हो जाएं ऐसी मैं कामना करता हूँ ये स्वामी आत्मनंद जी कहते हैं ये उनका लक्ष्य था इस लक्ष्य को उन्होंने जीवन भर पूर्ण करने में अपने आप को लगा दिया था